तब ट्रिप में आपका स्वागत है। छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं आलू के चिप्स के, वो भी बच्चों में शुगर बढ़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है जो संजय कारड़ा जी ने सबमिट की है। करनाल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर संजय कारड़ा, जो शनिवार को एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आपने बयान दिया। आपने कहा कि इस प्रकार के शोध सामने आए हैं कि जो बच्चे आलू की चिप्स खाते हैं, स्वीट कॉर्न खाते हैं, उनके फैट बढ़ने के साथ साथ शुगर भी लगातार बढ़ता है। इसमें जब मक्खन मिलाकर खाना होता है कॉर्नफ्लेक्स में, तो वो काफ़ी और नुकसानदायक हो जाता है। इस प्रकार से और भी तमाम ऐसी जानकारियों में आया है कि बच्चों का जो शुगर है, शुगर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट बच्चे भी हो गए हैं। डॉक्टर पीपी पाटीदार बताते हैं कि एडल्ट में जो डायबिटीज है, बच्चों में भी और एडल्ट में जो डायबिटीज है, उसके भी मामले काफ़ी बढ़े हुए हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ने, फिजिकल एक्टिविटी घटने से आज देश में 15-20% बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। मोटापा और डायबिटीज का खतरा 80 गुना बढ़ जाता है। मोटापे ग्रस्त जो बच्चे हैं, वयस्क हैं, उनकी गर्दन के पीछे काली पट्टी होती है, जिसे लोग मैल समझते हैं, जबकि यह शरीर में शुगर के पचाने के लिए पैंक्रियाज द्वारा बनाई गई अधिक इंसुलिन के जमाव के कारण बनती है। अगर गर्दन पर मैल जैसी काली पट्टी दिखे, तो वह डायबिटीज का संकेत ही है, यही समझना चाहिए।